हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बना रहे हैं फ्रेंड्स बिल्कुल अलग तरीके, बिल्कुल बिना किसी झंझट के मोमो। फ्रेंड्स बिल्कुल पानी में उबाल के हम मोमो बना के तैयार करेंगे और इसके साथ खाने के लिए चटनी। फ्रेंड्स बिल्कुल मार्केट जैसी मोमो लगता है। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं एक बॉल ली हूँ, मैं बड़ी सी छन्नी ली हूँ और 2 कप मैदा ली हूँ। मैदा को अच्छे से मैं छान ले रही हूँ और 1 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसका आटा हम गूँथ लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट आटा नहीं गूँथेंगे, बिल्कुल नरम आटा गूँथेंगे, जैसे पूड़ी और रोटी के लिए बनाते हैं। और इसको ढक के रख देंगे साइड में। मैं एक फ्राई पैन ली हूँ, फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ और 2 टमाटर को 4 टुकड़े में कट कर ली हूँ, 2 हरी मिर्ची, 5-7 लहसुन की कलियाँ, 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल, 1/2 टुकड़ा प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ और चला के ढक के 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे। 5 से 7 मिनट पक जाने के बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। 5 से 7 मिनट जब पक जाएगा तो इसको हमको ठंडा करना है। ठंडा हो गया है, एक मिक्सी की जार ले रही हूँ, उसमें सारा डाल दे रही हूँ। 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 2 चिटकी काली मिर्च, 1 पैकेट पास्ता मसाला डाल रही हूँ, मैगी मैजिक पास्ता मसाला है, 2 बड़े चम्मच पानी डाल रही हूँ, 1 मुट्ठी धनिया पत्ता। और इसको डाल के इसको पीस के चटनी तैयार कर लेंगे। मैं चटनी पीस के तैयार कर ली हूँ। फ्रेंड्स आप इसमें चाहे तो फूड कलर डाल सकते हैं। मार्केट वाली चटनी रेड दिखती है क्योंकि वो फूड कलर डालते हैं। मैं फूड कलर नहीं डाली हूँ, बिना फूड कलर के बनाई हुई चटनी, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं चिकन मोमो बना रही हूँ। इसके लिए मैं 50 ग्राम चिकन ली हूँ, सिर्फ मांस है, इसको बिल्कुल बारीक कट कर ले रही हूँ। बिल्कुल हड्डी वाली मांस चिकन नहीं लेंगे और एक मिक्सी के जार में इसको डाल के अच्छे से बारीक कीमा बना के पेस्ट तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच में सोया सॉस डाल रही हूँ, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चिटकी काली मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियाँ बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1/2 टुकड़ी प्याज बारीक कटा हुआ, 1 मुट्ठी धनिया पत्ता डाल के अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये चिकन मोमो बनाना बहुत आसान है, बहुत झटपट बन जाती है। ये चिकन मोमो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, आप घर पे बहुत इजी तरीके से ये चिकन मोमो बना के तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगता है और बनता बहुत झटपट है, बिना मोमो स्टैंड के भी आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। सिर्फ पानी में हम उबाल के बनाएंगे। फ्रेंड्स मैंने इसको बना के रख दी हूँ साइड में। अब डो को चेक करेंगे, डो भी अच्छे से सेट हो गया है। इसको हाथ पे अच्छे से मसल लेंगे चकले पे और इसका हम गोली तैयार करेंगे। छोटी छोटी इसकी बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेंगे। मैं एक ही बार में सारे बॉल्स बना के तैयार कर ले रही हूँ। उसके बाद हम रोटी बेलेंगे, बिल्कुल पतला पतला छोटी छोटी पूरी बेल के हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद हम इसकी फिलिंग्स रख के भर के इसको हम शेप देंगे। मैं बिल्कुल फ्रेंड्स इजी वाली शेप दे रही हूँ आपको। मेरे को भी ज़्यादा कोई मोमो का शेप देना नहीं आता है, बस ऐसे ही जो आता है वो बना दी हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे को उतनी अच्छी मोमो का शेप देना नहीं आता है। अब मैं एक और बनाई हूँ, आप देख सकते हैं मेरे को उतनी अच्छी नहीं मोमो की शेप आती है। सही बात तो यही है। मैं इससे एक और इजी वाला बताई हूँ फ्रेंड्स, ये तो कोई भी बना सकता है। जो हम गुजिया डेली बनाते हैं ना फ्रेंड्स, वही वाला शेप है। आप वो भी बना के आप वैसे भी शेप मोमो को बना के दे सकते हैं और खा सकते हैं। फ्रेंड्स खाना ही तो है, मोमो का शेप तो कोई भी दे नहीं दे सकता। फ्रेंड्स थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैं सारे मोमो बना के तैयार कर ली हूँ। एक फ्राई पैन ली, फ्राई पैन में मैं 1 लीटर पानी को एकदम उबाल ली हूँ। पानी उबलते हुए में हम मोमो सारा डाल देंगे और इसको उबालेंगे। मेरे को जैसे आता है वैसे मैं मोमो को शेप दे दी हूँ, उतनी अच्छी नहीं आती है। मैं सारे मोमो को 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबाल लूँगी। फ्रेंड्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छा बनता है मोमो, बिल्कुल मार्केट जैसे बनता है। इसको हम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे। फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं उबालेंगे, 10 से 15 मिनट काफ़ी है मोमो के लिए, क्योंकि बिल्कुल हम पतला बेले हैं तो बहुत जल्दी स्टीम हो जाएगी। और एक छनटे से इसको छान के निकाल लेंगे और प्लेट में चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं। बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे।